जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में विकास योजना की प्रगति को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने तमाम यांत्रिकी विभागों को प्रगति प्रतिवेदन देने को कहा। बताया जाता है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक होनी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सभी विभागों की प्रगति से अवगत होंगे, ताकि मुख्य सचिव को सही स्थिति से अवगत कराया जा सके। पीरपैंती थाना क्षेत्र के गोविंदपुर मोहनपुर स्थित बगीचे में बांसबिट्टा झाड़ी में बांज के पेड़ में रस्सी से लटका एक युवक का शव मिला है। शव को देखने के लिए स्थानीय लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतक की मां ने बताया कि हम जिस घर में सोए थे वहां से करीब 50 मीटर दूर स्थित घर में मेरा बेटा सोया था। सुबह जब हम जगे तो अपने बेटे को जगाने दूसरे घर पर गई तो वहां मेरा बेटा नहीं था। इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों के द्वारा उसकी काफी खोजबीन की गई। खोजबीन के दौरान पता चला कि मेरा बेटा बांस के पेड़ से गले में रस्सी का फंदा लगा लटका हुआ है। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा गया। तब तक मेरे बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद परिजनों के द्वारा घटना की सूचना पीरपैंती थाना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की प्रक्रिया में जुट गई। 10 बजे रात में जो है ना, हमको जो है नींद लग गया था, हमको नींद घूम ले। हम जो है ना भैया को बुलाया, कोई भैया उठ के चला गया। कितने बजे? 10:30 बजे के आसपास में। अच्छा, उस समय से गया था। हम सोचे कि गया होगा घर में टॉयलेट वॉयलेट देने के लिए। बस मम्मी को बोला कि मम्मी आया था मेरे पास में, आया था तो आया के पास जो है सही से दुआर एक भी बार नहीं गया है, इधर घेर के इधर मार दिया है। अच्छा, किन मतलब क्या करते थे मनोज कुमार? गांव में इसी तरह पढ़ाई पढ़ता लिखता था। शादी हो गया है? शादी नहीं हुआ। टेंशन वगैरह, झगड़ा किसी से? कल पंचायती होने की बात सामने आ रही है। पंचायती हो रहा, एक मिनट रुके चाची, आप पंचायती हो रहा तो यही कि केस ना उठाएगा ना, तो हम तुमको गोली मार देंगे, धमकी दे रहा था ये सब आदमी। कौन कौन थे? दिलीप सिंह था, अमिका यादव था, प्रदीप यादव था, भोली यादव था, और जो है टीचो यादव था, पहलू यादव था। किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ था पहले? ये जो है गांव में जो था कि बोल रहा था टैक्स नहीं देगा तो तुम डॉक्टर या करने लायक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, क्या कौन बात में झगड़ा हुआ था? हम लोग मान नहीं था, झगड़ा हुआ है तो पहले हम केस किए, हमको मार को बेटा बेहोश करके सुता दिया तो हम केस किए था, तो केस नहीं उठाएगा तो आपका बेटा को जीने नहीं। मरने की सूचना पहले कौन देखे थे कि लटका हुआ है? मम्मी देखा था, रूम में आके अभी बैठे थे सो के, तो मम्मी बोला कि भैया करो मार के मत, बेटा को जूते देखेंगे, हमरो बेटा मार दिया। भागलपुर में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट होने से दुकान में आग लग गई। हादसे के बाद राहगीरों के बीच भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी लोगों ने फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला जिले के जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गैस चूल्हा रिपेयर दुकान में अचानक घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाके की आवाज करीब 1 किलोमीटर के इलाके में गूंज उठा। इसके बाद लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। हालांकि मौके पर पहुंचे लोगों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग भयावह होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुए है। वही इस धमाके में बगल के दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के 2 बड़े वाहन और 1 छोटी वाहन को भेजा गया। करीब 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ब्रिगेडियर संजीव चोपड़ा, ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप भागलपुर द्वारा 2 बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी भागलपुर का वार्षिक प्रशासनिक निरीक्षण किया गया। ब्रिगेडियर साहब के यूनिट प्रांगण में आते ही 2 बिहार गर्ल्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दिनेश कुमार पाठक एवं यूनिट के वरिष्ठ सरदार सूबेदार बोगल एसके ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तत्पश्चात कमांडर साहब को 2 बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी के जाबांज एनसीसी कैडेटों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उक्त सम्मान गारद का ग्रुप कमांडर ने विधिवत निरीक्षण किया। तत्पश्चात सम्मान गारद की बेहतर ड्रिल व श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु उन्होंने मिष्ठान का पैकेट प्रदान कर कैडेटों का हौसला अफजाई किया। ब्रिगेडियर संजीव चोपड़ा ने यूनिट के पूरे स्टोर्स व कार्यालय का विधिवत निरीक्षण करते हुए उनके अनुकूल सुधार हेतु विशेष निर्देशन दिया। तत्पश्चात कमान अधिकारी कर्नल दिनेश कुमार पाठक के कार्यालय में बैठकर यूनिट के प्रशासन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की एवं यथोचित सुधार हेतु निर्देश जारी किया।
तदुपरांत ब्रिगेडियर चोपड़ा ने विभिन्न कॉलेजों एवं स्कूलों से आए हुए सैकड़ों एनसीसी कैडेटों को एनसीसी की उपयोगिता तथा प्रत्येक कैडेट को एक सफल व सभ्य नागरिक बनने हेतु अति ओजस्वी व प्रेरणादायक संभाषण किया। दीपावली और महापर्व छठ की समाप्ति के बाद भागलपुर जंक्शन से अन्य राज्यों में रोजगार और नौकरी करने वाले वापस लौटने लगे हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। स्टेशन के टिकट खिड़कियों पर यात्रियों की लंबी कतार लगी है। कई यात्री तत्काल टिकट लेने के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर सुबह से ही खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो छठ पर अपने प्रदेश आए थे, उन्हें ट्रेनों में सीट नहीं रहने के कारण चिंता सता रही है। भागलपुर से वापस जाने के लिए ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है, लोग सामान्य श्रेणी में जा रहे हैं, इससे सामान्य श्रेणी में लोगों की भारी भीड़ हो रही है। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। भागलपुर जीआरपी के द्वारा सभी यात्रियों को एक टोकन दिया जा रहा है, जो कि ट्रेनों के गेट पर टोकन दिखाने के बाद जीआरपी के द्वारा यात्रियों को सीट मुहैया कराई जा रही है। इससे यात्री को थोड़ी कम परेशानी हो रही है। भागलपुर से दिल्ली जा रहे यात्री ने कहा कि भागलपुर स्टेशन पर जीआरपी के द्वारा जो टोकन की व्यवस्था की गई है उससे हम लोगों को काफी सहूलियत हो रही है। आनंद विहार जा रहे हैं। व्यवस्था बढ़िया है, ठीक है। भीड़ तो बहुत है, बस लाइन बाय लाइन घुसा रहा है, जो सबको सीट मिल जा रहा है। व्यवस्था सही है, नहीं दिक्कत नहीं हुआ है। आनंद विहार जाना है। अनिल कुमार। 14 नवंबर को माननीय राज्यपाल बिहार राजेंद्र विश्वनाथ आर्ले का भागलपुर आ रहे हैं, जहां टाउन हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे, जिसको लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत भागलपुर महानगर दक्षिण प्रांत के द्वारा आयोजित ग्राहक प्रबोधन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल बिहार राजेंद्र विश्वनाथ आर्ले का शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विभागीय बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के भागलपुर जिला के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुदर्शन कुमार, सचिव अशोक चंद्र यादव एवं विशेष रूप से बिहार प्रांत सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश और संरक्षक डॉक्टर राजीव शुक्ल सम्मिलित हुए। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा भागलपुर के टाउन हॉल में महामहिम राज्यपाल महोदय का एक कार्यक्रम रखा गया, ग्राहक प्रमोदन, जिनमें उनका आना 14 नवम्बर को दिन के 2:30 बजे तय हुआ है। इसी को लेकर आज विभागीय बैठक रखी गई है, जिसकी विभागीय बैठक में सुरक्षा, चिकित्सा और व्यवस्था को लेकर ध्यान रखते हुए हम लोगों ने बैठक रखा है कि सब कुछ उनके मुताबिक और जो भी दर्शक आए उनके सुविधा अनुसार हो और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम भागलपुर को दिया जा सके।